अब्बा अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वाओ, लुकिंग हैंडसम। श्योर। 100%। ये सब उसे क्यों नहीं लगता यार? अमार, नाम बताओ उसका। नाम पूछ के क्या करोगी, उसने साफ इनकार कर दिया। मैं जानती हूँ उसे। ऑफ कोर्स। तानिया? नहीं, वो तो कभी इनकार नहीं करेगी। तानिया तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स नॉट। हेलो जी, बोल रहा हूं। यस, आई एम रेडी। ओके, आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स। ट्रेनिंग सेशन। भाई जाए। थैंक यू। अब्बा से फिर बात नहीं हुई। सुबह वो बहुत जल्दी में थे, लेकिन थोड़े परेशान भी थे। वो परेशान क्यों थे? इसी वजह से परेशान होंगे कि तुम उनसे उल्टे सीधे सवाल करोगे। और क्या? वो तो मैं पूछूंगी ना, वरना अपॉइंटमेंट लेटर मेरी दराज में पड़ा रहेगा। मर्जी है तुम्हारी। ये मेरी मर्जी नहीं है। मैं तो शुरू से चाहती थी कि डिग्री लेते ही सबसे पहले बिलाल अब्दुल्ला को अप्लाई करूंगी। अमार की जॉब हो गई वहां। उसे क्यों याद कर रही हो? कौन कम वक्त उसे याद कर रहा है। वो तो बस ऐसे ख्याल आया कि उसने भी वहीं पे अप्लाई किया था। उसकी जॉब हो गई है वहां। चलो, फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब बस कह दीजिएगा कि मैंने इनकार कर दिया। मैं तो वहां कभी जॉब नहीं करूंगी। लेकिन सोचने की बात तो है ना, पहले अब्बा ने मना क्यों किया और फिर अचानक से मान क्यों गए?
अब्बा अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, 10 बज रहे हैं। हाँ बेटा तुम स्कूल तो नहीं जा सकते। लेकिन हम यहाँ क्यों आए अब्बा, अब तो जरा भी बुखार नहीं है। बेटा वो डॉक्टर ने कुछ नए टेस्ट के बारे में बोला है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बेटा इनके साथ जाओ शाबाश। अब्बा नहीं बेटा जाओ शाबाश शाबाश। रेस्पिरेटरी का इशू भी है, इसके अलावा बीपी भी नॉर्मल नहीं रहता है। इसको डिसकंटिन्यू कर दें। बाकी अरे राम राम साहब तशरीफ रखिए एक मिनट। जी जी जनाब, बुखार बिल्कुल नहीं है, हार्ट बीट भी नॉर्मल है। ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल दे दिया आपने? जी उसे लेकर गए हैं अभी लेबोरेटरी की तरफ। ओके ठीक से कब पता चलेगा डॉक्टर साहब? ये भी तो हो सकता है ना कि ये नई रिपोर्ट से पता चले कि उसको ल्यूकेमिया नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है ना? जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सकता। आज की रिपोर्ट से सिर्फ ये पता चलेगा कि कैंसर किस स्टेज पर है। क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब। आप चाहें तो अपनी मिसेस को कॉन्फिडेंस में लेकर उन्हें बता दें। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मेरे तो दो बच्चे हैं, उस बेचारी का सिर्फ एक, सुटकर मर जाएगी। डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ वरना सब पता है मुझे। इलाज है परमानेंट नहीं, 10 से 20 साल की जिंदगी मिल सकती है बस। देखिए मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, सच तो यह है कि अगर कैंसर अर्ली स्टेज में हुआ तो 20 साल से ज्यादा भी मिल सकते। इलाज कब होगा? अगर कैंसर एडवांस स्टेज पर है तो हमारे पास उसका इलाज नहीं है, या यूं कह लें कि सक्सेस रेशो काफी कम है। अगर उसकी जिंदगी चाहते हैं तो इंग्लैंड या अमेरिका जाना पड़ेगा। हाँ मैं ले जाऊंगा उसे, कहीं भी ले जाऊंगा। 2 से 3 लाख डॉलर यानी 8-8.5 करोड़ का खर्चा है। आपके पास पैसे हैं तो देर मत कीजिए वरना देर हो जाएगी। 8.5 करोड़ कहा आपने? या 8.5 लाख? परेशान हो तो ठीक से शायद सुना नहीं मैंने। जरा हिम्मत से काम लीजिए मिर्जा साहब, वरना आपका गम आपके चेहरे से साफ नजर आता है। घर है बेटा? डेढ़ करोड़ का घर है और वो अकाउंट में 10-15 लाख पे होंगे, इससे कम नहीं होगा। फिलहाल आप घर जाइए, रिपोर्ट्स आने पर बात करेंगे। जी जी डॉक्टर। हाँ
चालीस पचास लाख का लोन भी मिल जाएगा मुझे। हौसले से काम लीजिए मिर्जा साहब, अल्लाह बेहतर करेगा।